दोस्तों, भोपाल मेट्रो का काम सुभाष नगर फाटक से बहुत आगे बढ़ गया है पुल बोगदा की तरफ। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये वायाडक्ट भी काफ़ी आगे तक बन चुका है और आगे तक आपको पिलर्स दिखाई दे रहे होंगे और सामने पटरियों के उस पार आपको पुल बोगदा दिख रहा है। और ऐसे वीडियो आप भोपाल के बारे में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें। और अब इसी आशा है कि मानसून के बाद ये काम और अधिक तेज़ी से चलेगा। तो देखिए, नीचे से ये दृश्य है बहुत आगे से कि किस तेज़ी से यहाँ पर भोपाल मेट्रो का काम चल रहा है। इस तरफ दाहिनी तरफ तो मेट्रो का डिपो बनेगा और इस तरफ सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, इस तरफ डिपो बनेगा। इधर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और इधर तो स्टेशन का काम चल ही रहा है। यहाँ पर टीम लगी हुई है भोपाल मेट्रो की। आज काफ़ी दिन के बाद भोपाल में धूप दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस स्टेशन के बारे में अपडेट कर दूं। और इधर जो ये पिलर बन रहे हैं, ये डिपो से कनेक्ट करने के लिए बन रहे हैं। ये जो ब्लू बैरिकेडिंग दिख रही है, ये डिपो के लिए है। और इधर ये सुभाष नगर स्टेशन बन रहा है और काफ़ी आगे तक पिलर्स का काम शुरू हो गया है। पुल बोगदा की तरफ काम बढ़ता जा रहा है। और उम्मीद है कि जल्दी ही यहाँ पर काम पुल बोगदा से भी आगे बढ़ जाएगा। देखिए, टीम लगी हुई है और बड़ी तेजी से काम चल रहा है। ये सामने पिलर आप देख रहे हैं, ये डिपो की तरफ जाने के लिए बना हुआ है। इधर से मेट्रो डिपो की तरफ चली जाएगी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, रेस्ट के लिए। ये पूरी सड़क जो है, जो कि मैदा मिल से जिंसी की तरफ जाती है, उसको बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। कोई भी वाहन इधर से जा नहीं सकता। और ये इधर लेफ्ट की तरफ से सुभाष नगर का अंडरब्रिज है, सामने तो आपको ओवरब्रिज दिख ही रहा है। ये पूरी रोड बंद है। ये जो ट्रैफिक आप जाते देख रहे हैं, ये अंडरब्रिज से जा रहा है। ये देखिए अंडरब्रिज, और ये काम इस तरह से चल रहा है यहाँ। तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे मेट्रो के बारे में सारे अपडेट्स और दूसरे भी भोपाल के बारे में अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।